हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं पैरालिसिस के बारे में। जानने से पहले आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जानते हैं पैरालिसिस क्या है। पैरालिसिस हमारे बॉडी के जिस पार्ट में इफेक्ट करता है उस पार्ट का मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाता है, जिसके कारण से कोई भी एक्टिविटी कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। कई बार तो कोई भी एक्टिविटी कर ही नहीं पाते हैं। और जो सेंसेशन होता है जिसमें हीट, कोल्ड और टच पेन का जो फीलिंग्स होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। पैरालिसिस कोई भी उम्र में हो सकता है, ज़्यादातर यह 50-55 वर्ष के बाद देखने को मिलता है। और पैरालिसिस किसी भी व्यक्ति में शरीर के कोई भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि हाथ में या पैर में या दोनों हाथ पैर दोनों में या एक साइड के हाफ बॉडी में या दोनों साइड के पूरे बॉडी में, फेस का भी हो जाता है। अब जानते हैं इसका कॉज क्या है, किस कारण की वजह से पैरालिसिस होता है। इसका कॉज स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है पैरालिसिस। स्ट्रोक में होता क्या है, ब्रेन में कई बार कोई भी कारण से ब्लड सप्लाई रुक जाता है या नर्व फट जाता है या नस फट जाता है और या ब्लड कलेक्ट हो जाता है। इसके कारण से जो हमारा ब्रेन का एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है। ब्रेन का एरिया डैमेज होने से शरीर के जिस पार्ट का एरिया ब्रेन में डैमेज हो जाता है तो शरीर के उस पार्ट में पैरालिसिस का इफेक्ट हो जाता है। हेड इंजरी में भी जो ब्रेन का पार्ट डैमेज होता है उस पार्ट के डैमेज होने के इफेक्ट से जो हमारे बॉडी में पैरालिसिस का इफेक्ट हो जाता है। और स्पाइनल कोर्ड इंजरी होने से हमारे बॉडी में पैरालिसिस का इफेक्ट हो जाता है। वो कैसे, तो जो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स होता है जो हमारे बॉडी को मॉनिटर करता है, जो मॉनिटर करने वाली सारे नर्व्स होते हैं वो स्पाइनल कोर्ड से ही आते हैं। जब स्पाइनल कोर्ड डैमेज होता है तो उसके साथ नर्व भी डैमेज हो जाता है। जब नर्व डैमेज हो जाता है तो जिस पॉइंट पे स्पाइनल कोर्ड इंजरी हुआ है उस पॉइंट के नीचे पैरालिसिस इफेक्ट हो जाता है और मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होने के कारण भी हो जाता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई रुक जाता है या ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ब्लड प्रेशर के कारण भी होता है। अब जानते हैं इसका सिम्टम्स क्या है। इसका सिम्टम्स जैसे कि पहले बताया, मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाता है, यानी कि जिस पार्ट में पैरालिसिस का इफेक्ट हुआ है उस पार्ट से मूवमेंट नहीं होता है और सेंसेशन फील नहीं होता है, यानी कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। अब जानते हैं कि पैरालिसिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है। उसके लिए मसल फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है और एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई भी किया जाता है। एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई में देखा जाता है कि कहाँ पे ब्लड कलेक्ट हुआ है या नर्व कंप्रेस हो गया है या उसका क्या कारण है, किस कारण की वजह से ये पार्ट इफेक्ट हो गया है। जैसे कि कोई ब्रेन का पार्ट डैमेज है वो देखा जाता है, तो इस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट जिसके वजह से पैरालिसिस इफेक्ट हुआ है सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे स्ट्रोक की वजह से हुआ है तो सबसे पहले स्ट्रोक का ट्रीटमेंट किया जाएगा। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रोक होने से 4 से 6 घंटे के अंदर उसको एक अच्छे न्यूरो हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। अगर उतना जल्दी आप ले जा सकते हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं तो उसका ट्रीटमेंट कई बार नहीं भी हो पाता है और मुश्किल भी हो जाता है। और हेड इंजरी में भी यही सीन है, उसको भी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का भी वही सीन है, जिसके शरीर में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर है, उसके लिए ब्लड प्रेशर कम करने की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इतना सब के बाद फिर भी पेशेंट में बहुत सारे दिक्कत होता है, वो बेड से उठ नहीं पाता, उसके लिए सबसे बेहतर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके बॉडी के कोई भी पार्ट जो इस तरह से अफेक्टेड है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूरी है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में
एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके वजह से पेशेंट के अफेक्टेड पार्ट में मोटर और सेंसरी फंक्शन इंप्रूव होता है और पेशेंट अपना पूरा एक्टिविटी कर पाता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में पेशेंट को ठीक होने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन कम्प्लीटली ठीक होता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतर होता है पैरालिसिस पेशेंट के लिए। स्ट्रोक के बारे में, हेड इंजरी के बारे में और स्पाइनल कोर्ड के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें जानेंगे इसके बारे में डिटेल। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।